श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन्मल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री यमुना चतुर्भ्याम नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक गणेश व्यास श्रीमाली ब्राह्मण पश्चिम में रहते, इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये गणेश व्यास सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम प्रमोदिनी है। ये रति कलाते प्रकृति है, ताते इनके भाव रूप हैं। ये गणेश व्यास पश्चिम में एक श्रीमाली ब्राह्मण के घर जन्मे। सो गणेश व्यास दो ही चारी महीनान के भये, तभी इनके माँ बाप मरे। पाछे इनको एक काका हतो, सो वह इनको अपने घर ले गयो। तहां ये बड़े भये, सो बरस 20 के भये, तब एक संग पश्चिम ते मथुरा जी जात हतो। ता संग में येहू चले, सो कछुक दिन में संग मथुरा जी आयो, ता में गणेश व्यासु आए। सो उन दिनन श्री गुसाई जी मथुरा जी विराजत हते। सो श्री गुसाई जी विश्राम घाट पर संध्या वंदन करत है, तहां गणेश व्यास ने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। सो गणेश व्यास श्री गुसाई जी सो विनती किए, जो महाराज मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता को है नाही, सो मैं आपकी सरणी आयो हूँ। ताते कृपा करी आप मुको अपनो सेवक कीजिए और कछु टहल दीजिए। तब श्री गुसाई जी वाको देवी जीव देखी के कहे, जो श्री यमुना जी में नहा ले, हम तो को सेवक करेंगे। सो गणेश व्यास श्री यमुना जी में स्नान करी श्री गुसाई जी के निकट आए। तब श्री गुसाई जी गणेश व्यास को नाम निवेदन कराए। पाछे श्री गुसाई जी आप कृपा करी गणेश व्यास को अपनी परचारगी की टहल दीनी। सो गणेश व्यास प्रीतिपूर्वक सेवा करन लागे। वार्ता प्रसंग एक। सो वे गणेश व्यास एक समय श्री ठाकुर जी की सामग्री ले द्वारिका को जात हते। सो एक दिन सांझ को एक गाम के बाहर भये और गाम को जात हते, तब मार्ग में मेह बहुत आयो। सो इत उत देखे तो कछु छाया नाही। तब थोड़ी सी दूरी पर एक शिखर बंद एक देहरा दिसियो। सो दोरी के गणेश व्यास तहां गए, तब तहां देखे तो वामी एक देवी है और सर्व सामान वा पास धरियो है, पर मनुष्य कोई नाही है। तब अपने मन में गणेश व्यास ने विचार कियो, जो कोई पुजारी रहत है सो कहूँ गाम में गयो है, अब आवत होएगो। यह विचार करी के ये तो बाहर छाया में सामग्री धरी बैठी रहे। पाछे जब रात्रि बहुत गई, तब तो तहां कोई आयो नाही, पर वह देवी ऐसी जागती जोत हती, सो अपनी वस्तु ही आप रखवारी करती और वाको राजा की ओर से नित्य बलि आवती, सोई खाई के बैठी रहती और जो कोई पुजारी आवतो तो वाको खाई जाती और गामन में प्रसिद्ध हती, सो नित्य पूजा आवती, सो सामग्री सब आप ही भेली करी के धरत जाती। सो कोई एक मनुष्य रात्रि को वा देवी के दर्शन को आयो, तीन गणेश व्यास सो कही, जो तुम यहाँ मत सोइयो, यहाँ कोई पुजारी तो सोवत नाही और कोई रही सकत नाही। तब गणेश व्यास ने वासो पूछी, जो ताको कारण कहा है? तब वाने गणेश व्यास सो कहो, जो कोई यहाँ सोवत है रहत है ताको यह देवी खात है। तब वह मनुष्य तो देवी के दर्शन करी के गणेश व्यास सो ये समाचार कही के चलियो गयो। तब तो गणेश व्यास निद्रक हुई देवी के मंदिर के भीतर जाई के किवाण दे सामग्री एक कोने में धरी, वा देवी को नवाई के नाम सुनाई, वा के गरे में प्रसादी माला बांधी, वा को वैष्णव करे। पाछे देखे तो देहरा में कोई सर्व वस्तु धरी गयो है। यह प्रकार देखी के देहरा को धोयो, पाछे रात्रि को वहां ही रहे, अपने पास प्रसाद हतो सो लिए, तहां एक कुआं हतो ताको जल पिए और सोई रहे। और वाही रात्रि को वा देवी ने वा राजा को स्वप्न दियो, जो मोको अब नित्य बलि मत पठाइयो, अब हो वैष्णव भई हूँ, ताते अब यह बलि मैं न खाऊंगी, मोको रसोई करीवे को यहाँ कोई एक पुजारी राखी देहू, सो रसोई करी मोको धरेगो सो हो खाऊंगी। तब वह राजा तो बहुत विस्मित भयो। पाछे सवारे गणेश व्यास तो सामग्री ले आगे को चले और वह राजा बड़े सवारे वा देवी के दर्शन को आयो। तहां देखे
तो काहू ने देहरा धोयो है, देवी को नहायो है और देवी के गले में माला बांधी है। तब तो वह राजा यह देखी कि बहुत ही प्रसन्न अपने मन में भयो, पाछे वह देवी पास एक पुजारी राखी दियो और नित्य को सीधो कर दियो। सो वह रसोई करी देवी को धरतो, पाछे वह आप खातो। भाव प्रकाश, सो भगवदीय को स्वरूप ऐसो जाननो जिनते देवी देवता तीर्थ आदि सब कृतार्थ होते हैं और भगवदीय ऐसे दयालु होते हैं जो मार्ग जात सहजी देवी को कृतार्थ करें। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गोसाई जी के सेवक गणेश व्यास, लीला में इनका नाम प्रमोदिनी है, ये पश्चिम में एक श्रीमाली ब्राह्मण के घर जन्मे। इनके काका के यहाँ ये बड़े हुए और जब 20 बरस के हुए तब एक संग इनके गांव से मथुरा जी जा रहा था, उसमें ये भी शामिल हुए और मथुरा जी आए और वहाँ श्री गोसाई जी विश्राम घाट पे संध्या वंदन कर रहे थे। तब गणेश व्यास को दर्शन हुए और गणेश व्यास ने विनती करी कि महाराज मैं अनाथ हूँ, मुझे कृपा करके शरण लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने देवी जीव जान के नाम निवेदन कराया और अपनी प्रचारगी की सेवा सौंपी। तो एक दिन ये श्री ठाकुर जी की सामग्री लेके श्री द्वारिका जा रहे थे, तब मार्ग में बारिश बहुत हो रही थी। तब यह एक गांव में एक मंदिर की छत के नीचे खड़े हो गए। तब इन्होंने देखा कि ये तो कोई देवी का मंदिर है और सब सामान भी यहाँ अंदर रखा है, पर यहाँ कोई पुजारी नहीं है और वह देवी अपनी वस्तु की खुद ही रखवारी करती और वहाँ के राजा नित्य उनको बलि पहुँचाते। तब वह खाती और कोई पुजारी रात में रुकता तो उसको खा जाती। इतने में एक मनुष्य वहाँ दर्शन करने आया, तब उसने गणेश व्यास से कहा कि तुम रात को यहाँ मत रुकना, जो कोई सोता है उसको ये देवी खा जाती है। तब वह मनुष्य तो यह बोल के गया। तब गणेश व्यास तो मंदिर में गए, किवाड़ लगाए, अंदर की सब सामग्री एक कोने में रखी और उन देवी को स्नान करा के नाम सुनाया और माला पहनाई और वैष्णव किए। फिर गणेश व्यास ने अपने पास को प्रसाद था वो लिया और पास के कुएं का जल पी के सोए। और उसी रात्रि को उन देवी ने वहाँ के राजा को स्वप्न दिया और कहा कि अब मुझे बलि मत भेजना, मैं वैष्णव हो गई हूँ और मेरे यहाँ एक पुजारी रख दो और जो वो मुझे रसोई करके धरेगा वो ही मैं लूँगी। तब सुबह तो गणेश व्यास वहाँ से चले और इतने में वहाँ के राजा दर्शन करने आए, तब देखा तो देवी तो वैष्णव हुई है। तब राजा प्रसन्न हुए, तब राजा ने एक पुजारी रख दिया जो नित्य देवी को सीधा सामग्री जो आता उसकी रसोई करके भोग धरता और फिर वह खुद खाता। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि भगवदीय का स्वरूप ऐसा ही जानना जिनसे देवी देवता तीर्थ आदि सब कृतार्थ होते हैं। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला, आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।